हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये करेले के सीड से इनको ग्रो करना दिखा रही हूँ। तो इनको ग्रो करना बहुत इजी है फ्रेंड्स, और ये मैंने नॉर्मल मिट्टी ली है अपनी, और आप बीज ग्रो करने के लिए कैसी भी मिट्टी ले सकते हो फ्रेंड्स। और ये करेला इस टाइम विंटर में बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो सीड्स है। और जब ये बेबी प्लांट निकल आएंगे इसके, तो फिर इसको हमें 25 से 30 इंच के गहरे गमले में ट्रांसफ़र करना होगा। तो तब हमें इसको खाद वगैरह मिलानी पड़ेगी सॉइल में। अभी इसमें आप अगर है आपके पास सॉइल मिक्स तो आप वो ले लीजिए, वरना नॉर्मल मिट्टी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल लिया है। पानी डाल के मिट्टी को, सॉइल को, जो हमारी सॉइल है उसको हम सोप कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये बस सीड्स हमको लेने हैं और इनको बस इस तरह से मिट्टी में इस तरह से दबा देना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 ही सीड्स लिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत होते हैं 5 प्लांट, अगर ये जर्मिनेट होते हैं सभी तो बहुत हो जाएंगे, और फिर इनको गहरा गमला भी हमें देना पड़ता है। और बस हल्की सी ये सॉइल से आप इसको कवर कर दीजिए, बस। तो हो गई हमारी सीडलिंग, और इस तरह से बस ये दिखे नहीं। अभी इनको फ्रेंड्स सेमी शेड एरिया में आप रखेंगे जहाँ पर धूप ना आती हो, और एक हफ्ते के बाद जब इनमें जर्मिनेशन दिखने लगे तब इनको सेमी शेड एरिया में रखिए, जहाँ थोड़ा सा छन कर धूप आती हो हल्की हल्की, तो वहाँ पर रखेंगे। और 15 दिन के प्लांट होने के बाद आप इनको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी जब तक ये छोटे प्लांट रहेंगे तब तक इनको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में ही हमें रखना होगा। और उसके बाद कैसी पॉटिंग मिक्स बनेगा, क्या होगा, मैंने दिखाया हुआ है वीडियो में, आप देखकर कर सकते हो। बाकी ट्रांसप्लांट मैं दिखाऊंगी कैसे करेंगे। तो आप भी लगाइए फ्रेंड्स, करेला तो बहुत अच्छा प्लांट है और काफ़ी हेल्दी फूड सब्जी होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप भी ग्रो करिए, विंटर में बहुत ही ईजीली ये ग्रो हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।